11th class. Bacha, this one is your lecture number 17 for the chapter biological classification. I hope you all are fit and fine. Let's begin our lecture, bacho. See, in our last class, we discussed about two different types of fungi. First one was phycomycetes and the next one was your ascomycetes. Okay, now answer my question. Which type of fungi have aseptate sinusitic mycelium? आंसर बताना मुझे, ठीक है? आप कमेंट में भी डाल सकते हो, आप डायरेक्ट मेरे पर्सनल नंबर पे भी भेज सकते हो, ठीक है? इसके अलावा बच्चों, आपको याद रखना है कि अलग अलग एग्जाम्पल्स इनके बेसिकली पेपर में जो आते हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, वो एग्जाम्पल्स को लेके आते हैं, ठीक है ना? तो अच्छे से लर्न कर लेना, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर किससे होता है, ठीक है? एर्गोट ऑफ फंजाई किस, एर्गोट ऑफ पोटैटो किससे होता है, ठीक है? तो बहुत सारे आपके मैंने एग्जाम्पल्स आपको करवाए थे. पेनिसिलियम मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है? एस्कस क्या होता है, ठीक है ना? एस्कोकार्प क्या होता है? बच्चों बिल्कुल एकदम क्लियर कट माइंड में एक डिविजन रखिए. देखो मैं अभी तक जो मैंने फंजाई में आपको क्लासिफिकेशन में जो मैंने कल पढ़ा था उसको समअप करके बता रही हूँ. ओवरऑल फंजाई आपके पास तीन, ठीक है? जिम्नोमाइकोटा, ठीक है ना? एक आपकी हो जाएगी यू माइकोटा, ट्रू फंजाई. आई बस समझ में, ठीक है? इस तरीके से हमने जब उसकी क्लासिफिकेशन की थी तो क्लासिफिकेशन में बच्चों हमने अलग अलग टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है? तो आपको भी वही टाइप्स और वही जो है क्लियर कट डिविजन के फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक? तो जिम्नोमाइकोटा आपकी सबसे यू कहो कि बिल्कुल नॉट डेवलप्ड फंजाई जिसको आप कह सकते हो, ठीक है ना? और सबसे लास्ट में जो आते हैं दैट आर ट्रू फंजाई, जिसको क्या कहोगे? यू माइकोटा. और बीच में जो है दैट इज योर पू माइकोटा, ठीक है? पू माइकोटा, ये सारे तीन डिविजन थे, इनको फिर हमने क्लासिफाई किया इनकी अलग अलग क्लास पर. तो ऊ माइकोटा की एक ही क्लास रहेगी फाइकोमाइसिटीज, इसकी दो सब क्लासेस रहेंगी, ठीक है? फाइकोमाइ, ये आपका ऊ माइकोटा और यू माइकोटा में क्या डिफरेंस होगा? आपका जो ऊ माइकोटा है इसके अंदर आपको एसेप्टेट सिनोसिटिक कंडीशन मिलेगी माइसीलियम की, ठीक है? और जहां हम बात करें ट्रू फंजाई की, अच्छा यू जो आपका ओ माइकोटा है वो किस टाइप की फंजाई में मिलेगा? लोअर फंजाई के अंदर, ठीक? और अगर हम बात करें हायर ट्रू फंजाई की तो वहां पे बेसिकली आपका क्या मिलेगा? आपको सेप्टेट, ठीक है, सेप्टेट कंडीशन मिलेगी. हालांकि मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन आती है लेकिन रेयर आती है, ठीक है? जनरली डायकैरियोटिक फेज रहती है. आई बस समझ में ना, सेप्टेट माइसीलियम आपको मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा हमने जो फाइकोमाइसिटीज की थी वो भी दो टाइप की थी, ठीक है? सब क्लास जिसकी, जिसमें आपने ओमाइसिटीज जाइगोमाइसिटीज पढ़ी. जहां ऊ स्पोर बनता है वो ओमाइसिटीज, जहां जाइगोस्पोर बनता है वो जाइगोमाइसिटीज. ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर में क्या डिफरेंस है? ऊ स्पोर सडनली क्या है, जैसे ही बनेगा वैसे ही फर्दर माइसिलियम की ग्रोथ कर देगा, स्पोर्स बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और आपके जो है नया माइसिलियम ग्रो हो जाएगा. जाइगोमाइसिटीज में एक पेरिनेटिंग स्टेज रहती है, जाइगोस्पोर जिसको कहते हैं, ठीक है? और वो तभी ब्रस्ट आउट होगा जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, एक रेस्टिंग स्टेज होती है, ठीक है? इसके अलावा आपने क्या पढ़ा है बच्चों? अभी तक आपने क्या पढ़ा? बाकी का आपने एस्कोमाइसिटीज पढ़ा है, ठीक है? एस्कोमाइसिटीज का नाम एस्कोमाइसिटीज क्यों रखा गया, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए क्यों रखा गया था, क्योंकि इसमें एस्कस फॉर्मेशन होती है. एस्कस क्या है आपके? ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर मियोसिस भी हो रही है, जिसके अंदर आपका डाई आपके जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो फ्यूज करते हैं, डाइकेरियोगेमी जिसको आप बोलते हो, ठीक है? इसलिए. और बहुत सारे एस्कस का ग्रुप जो होता है उसे क्या बताया था मैंने? एस्को कार्प बताया था. पेनिसिलियम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों दैट इज योर बेसिडियो माइसिटीज, थर्ड वन बेसिडियो माइसिटीज. ये भी एक क्लास है, ठीक है? नाम मैंने कहा था आपको कि
कि नाम जो होते हैं जनरली वो किस बेस पे रखे जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेस पे रखा जाता है, ठीक है। ओमाइसिटीज में आपने देखा कैसे रखा गया, जाइगोमाइसिटीज में आपने देखा, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस फॉर्मेशन हो रही थी तो एस्कोमाइसिटीज, यहाँ पे बेसिडिया की फॉर्मेशन होती है, क्या होता है वो अभी समझाऊंगी, तो बेसिडियोमाइसिटीज, क्लियर, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, अगर हम इनके कॉमन नेम की बात करें, ठीक है, तो कॉमन नेम में जनरली बच्चों इनको हम क्या कहेंगे, कॉमन नेम में इनको क्लब फंजाई कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर क्लब स्ट्रक्चर शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है, तो इनको अगर हम बात करें तो क्लब फंजाई, ये क्वेश्चन आते हैं अच्छे से कर लेना, सैक फंजाई किसे कहोगे, सैक फंजाई एस्कोमाइसिटीज, कॉन्जुगेशन फंजाई जाइगोमाइसिटीज, है ना, एल्गल फंजाई ओमाइसिटीज। तो इनके जो निक नेम है बच्चों उस पे मैच दी फॉलोइंग पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके नीचे एग्जाम में, तो उसको अच्छे से करो, ओके। तो क्लब फंजाई की जहां तक बात है, सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन टाइप जो आप देखते हैं फंजाई की वो कौन सी होती है बच्चों, वो बेसिडियोमाइसिटीज ही होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा एडवांस्ड टाइप की फंजाई अगर कोई होती है तो बेसिडियो टाइप बेसिडियोमाइसिटीज होती है, आई बात समझ में। और इनकी जो फ्रूटिफिकेशन होती है यानी कि फ्रूटिंग बॉडीज जो बनती है, ठीक है, बेसिडियो कार्प जिसको बोलते हैं, वो मोस्ट कॉमन होता है, आपको आसानी से दिखाई देता है, कॉन्स्पिशियस होता है, मतलब आसानी से दिखने वाला, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ फंजाई सबसे ज्यादा एडवांस्ड होती है, ठीक है, आई बात समझ में, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कह लो सबसे ज्यादा एडवांस्ड कह लो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन टाइप होती है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं बच्चों इसीलिए आपको रिटर्न फॉर्म में बता रही हूँ, मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, आसपास मोस्टली जो दिखती है, ठीक है। इसके अलावा देखो इनके अंदर जो फ्रूटिफिकेशन होता है, फ्रूटिफिकेशन यानी कि देखो फ्रूटिंग बॉडी वो जहां पे आपके स्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज वो जहां पे स्पोर्स बन रहे हैं, जनरली सेक्सुअल स्पोर्स की हम बात करते हैं, और मतलब कि एग्रीगेशन की फॉर्म में आपके सेक्सुअल स्पोर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर बन रहे हैं या स्ट्रक्चर से बाहर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो फ्रूटिफिकेशन की जहां तक बात है यानी कि इनकी जो फ्रूटिंग बेसिडियो कार्प जिसको हम बोलेंगे, आगे समझाती हूँ क्या होता है बेसिडियो कार्प, जैसे एस्को कार्प था ना एग्रीगेशन ऑफ एस्कस, ऐसे ही एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियो कार्प, ठीक है, सॉरी बेसिडियम, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, फ्रूटिफिकेशन कहा जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाएगा, बेसिडियो कार्प कहा जाएगा। तो फ्रूटिफिकेशन जो होता है वो कॉन्स्पिशियस होता है, कॉन्स्पिशियस वर्ड का मतलब होता है मोर प्रोमिनेंट, आपको आसानी से दिखाई देने वाला है, बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा देखो बच्चों अगर हम बात करें इनके एक यूनिक बिहेवियर की, तो ये आसानी से सेलुलोज और लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो फंजाई होती है वो डाइजेस्ट तो करती है बहुत, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ये बहुत फास्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से सेलुलोज और लिग्निन को डिकम्पोज करने की एबिलिटी रखते हैं, आई बात समझ में। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, दे आर जनरली नोन बाय द नेम ऑफ डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, डिकम्पोजर्स ऑफ वुड, ठीक है, वुड को बहुत आसानी से डीकम्पोज करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, गोनोडर्मा जो एक स्पीशीज है वो स्टैंडिंग ट्री को भी क्या कर देती है बच्चों, डिस्ट्रॉय कर देती है, उसमें भी फंगस लग जाती है, आई बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें मोटाइल स्ट्रक्चर की, मोटाइल सेल्स की, मोटाइल सेल या स्ट्रक्चर, सेल्स या स्ट्रक्चर, तो दे आर जनरली एबसेंट, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, एबसेंट रहेंगे, कोई भी मूविंग सेल नहीं होता इनकी बॉडी में, ठीक है, कोई भी मूविंग स्ट्रक्चर नहीं होगा इनकी बॉडी में, आई बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनके माइसीलियम की बात करें, माइसीलियम की बात करें, ठीक है, तो माइसीलियम में जनरली क्या होता है, दो टाइप के माइसीलियम आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है, एक तो रहेगा प्राइमरी माइसीलियम, एक बार चेक कर लेती हूँ आपको दिखता है या नहीं, चलो अभी तो दिख ही रहा है, एक तो होता है बच्चों प्राइमरी माइसीलियम, प्राइमरी माइसीलियम, ठीक है,
और एक आपका होता है सेकेंडरी माइसीलियम। याद करो जो मैंने आपको माइसीलियम बढ़ाया था, माइसीलियम इज अ ग्रुप ऑफ हाइफी, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का ग्रुप माइसीलियम कहलाता है। तो जब शुरू में माइसीलियम बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। जो कैसा होता है, मैं इसके बारे में प्राइमरी माइसीलियम के बारे में यहां बता रही हूँ, यहां दिख नहीं रहा हो। प्राइमरी माइसीलियम दिखने में कैसा होगा, जस्ट इस तरीके से, एक सेल में एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, मोनोकैरियोटिक होता है, प्राइमरी माइसीलियम इज मोनोकैरियोटिक, ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम इज मोनोकैरियोटिक। और जो सेकेंड, और इसके साथ साथ शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े टाइम के लिए ही प्राइमरी माइसीलियम बनता है। अभी मैं आपको लाइफ साइकिल थोड़ी बहुत समझाऊंगी इसके, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडरी माइसीलियम की बात करें बच्चों, तो जैसे जैसे ये मैच्योर होता है जनरली इसके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है, माइसीलियम में डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाती है। तो सेकेंडरी माइसीलियम इज जनरली डाइकैरियोटिक और लॉन्ग लिव्ड होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बेसिडियोमाइसिटीज में डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, तो डिप्लॉयड फेज ज्यादा डोमिनेंट होती है, डाइकैरियोटिक फेज ज्यादा डोमिनेंट होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों एम्स में, ठीक है ना। तो याद रखना कि बेसिडियोमाइसिटीज में, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे तीन टाइप की लाइफ साइकिल होती है, हेप्लोन्टिक, हेप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है ना, और डिप्लॉयड। तो उसमें भी बेसिडियोमाइसिटीज में आप देखोगे डिप्लॉयड फेज लाइफ की ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, ज्यादा होती है, ज्यादा टाइम के लिए, ठीक है। तो डोमिनेंट फेस की जहां तक बात है ये रहेगा। अब देखो इनमें ये डाइकैरियोटिक कंडीशन आई कैसे, इसको समझने की कोशिश करना। हालांकि जो मैंने आपको नोट्स दिए उसमें मैंने इसको लिखवाया नहीं है, ठीक है, बट जब आप अपनी रिफ्रेशर से पढ़ोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ खास नहीं बताया हुआ है। जैसे मानो ये आपका एक नॉर्मल फंजाई है, प्राइमरी माइसीलियम। अब ये डाइकैरियोटिक फेस आई कैसे, तो धीरे धीरे इसमें क्या बनना शुरू होगा, एक ऐसे आउटग्रोथ बनेगी जिसको क्लंप कहा जाएगा, ठीक है, एक आउटग्रोथ बनेगी जिसको क्लंप कहा जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। ये इनके एक एक न्यूक्लियस होगा ऐसे करके। चलो इस वाले न्यूक्लियस को आपको अलग दिखाने के लिए मैं ऐसा शो कर दूंगी, ठीक है। अब क्या होगा, इसको तो ऐसे रखो, इस एक सेल में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म से, इस एक सेल में जैसे दूसरे स्ट्रेन के साथ ये फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद इसके अंदर क्या आ गई, आपकी डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई, एक सेल में डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई। अब पूरा का पूरा माइसीलियम कैसे डाइकैरियोटिक होगा, ठीक है, हमें वो पढ़ना है। तो कैसे होगा, ये जो स्ट्रक्चर जो बनता है इसको बोलते हैं क्लंप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लंप बोलते हैं। तो धीरे धीरे अब ये क्लंप क्या करेगा, ऐसे ग्रो करना स्टार्ट करेगा, इस तरीके से ऐसे ये स्टार्ट करेगा, ग्रो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब ये जो सेल्स थे, इन सेल्स में क्या हो जाएगी, माइटोसिस हो जाएगी, ठीक है। तो आपका जैसे ए, मैं इनको अलग दिखाने के लिए इनकी शेप बदल देती हूँ कुछ ऐसे, ये वाला इस तरीके से माइटोसिस शो कर रहा है, और ये वाला इस तरीके से माइटोसिस शो कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला सेल, ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा इस बेसिडियम के अंदर, ठीक है, ऐसे ऐसे कर, इस तरीके से ये ऐसे दो बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये वाला इधर माइग्रेट कर जाएगा ऐसे, ठीक है, और यहां पे एक वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे। पहले तो ये वॉल फॉर्मेशन ऐसे होगी, यहां पे तो पहले ही वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके वॉल फॉर्मेशन होगी। अल्टीमेटली यहां से डिसॉल्व हो जाएगा और ये क्लंप यहां से ऐसे हट जाएगा और ये न्यूक्लियस इसके अंदर आ जाएगा और डाइकैरियोटिक स्टेज आ, ठीक है। ऐसे करके धीरे धीरे हर एक के अंदर क्या आ जाती है, डाइकैरियोटिक फेज आ जाती है। समझ में आया, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको फिर से करवा देंगे स्कूल में कभी आओगे तो, ठीक है। अभी के लिए इसको इतना याद करो कि इनमें जो डाइकैरियोटिक फेज आती है वो क्लंप कनेक्शन से आती है, ठीक है, आई बस समझ में।
तो इसको मैं यहीं पे ज्यादा नहीं लिखवा रही हूँ बच्चों, क्योंकि दैट इज बियॉन्ड योर सिलेबस। आपको थोड़ा बहुत समझा दिया मैंने, फिर भी नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कभी पूछा भी नहीं जाता है इसके बारे में, बट थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ देखो अब बात करते हैं लाइफ साइकिल की। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल की अभी हमने देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें स्पोर्स तो बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स बन सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी क्लेमाइडोस्पोर्स के अलावा कुछ खास नहीं, कुछ अलग टाइप के स्पोर्स भी बनते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम नाम देखें इनका, एसिडियोस्पोर्स है, यूरिडियोस्पोर्स है, टेलिटोस्पोर्स है, ये सब मैंने आपको करवाया नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा डीप चला जाएगा और आपका सिलेबस पीछे रह जाएगा। ठीक है, इनसे कभी क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो आप इतना ही रखिए। बात कर तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई पूछ ले तो क्लेमाइडोस्पोर्स जनरली। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां तक बात, चलो पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देती हूँ ताकि आपकी लाइफ साइकिल क्लियर हो जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे ही इनके अंदर क्या आती है, डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज आने के बाद जैसे मान लो ये कोई एक माइसीलियम था। ठीक है, और इस माइसीलियम में किसी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या है, डाइकैरियोटिक स्टेज थी और ये क्या हो गए, दोनों फ्यूज होके डिप्लॉइड्स बना लिया इसने, कैरियोगैमी हो, बाकी तो सारे चलो डाइकैरियोटिक स्टेज में रहेंगे, ऐसे करके रहेंगे, लेकिन किसी एक का न्यूक्लियस फ्यूज हो गए और क्या आ गए यहाँ पे, कैरियोगैमी हो गई। जैसे ही कैरियोगैमी होगी अब ये क्या करेगा, ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा ऊपर ऐसे। अब ये क्या करेगा बच्चों, ये जो है मियोसिस शो करेगा। क्या शो करेगा, मियोसिस शो करेगा। ठीक है, मतलब कि मियोस, पहले तो ये मियोस्पोर बना है, मियोस्पोर तो अभी बनेंगे, अभी ये जाइगोट बना है। ठीक है ना, अब इसमें जब मियोस, ये तो देखो टू वे स्ट्रक्चर था, मियोसिस होगा तो अब यहाँ पे आपके पास हैप्लोइड स्पोर्स बन जाएंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, हैप्लोइड स्पोर्स। जनरली यहाँ पे एक मियोसिस से चार हैप्लोइड स्पोर एक बार ही मियोसिस हो, इससे ज्यादा जनरली नहीं होती। ठीक है, रेयर ही केस होता है, लेकिन जनरली क्या है, यहाँ पे एक बार मियोसिस हुई, चार क्या बन गए आपके पास, स्पोर्स। ये जो स्पोर्स बने हैं, इन स्पोर्स को क्या बोलोगे आप, बेसिडियोस्पोर्स बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, बेसिडियोस्पोर्स। अब ये बेसिडियोस्पोर्स ग्रो करना स्टार्ट करेगा, किस टाइप से ग्रो हो जाएगा, ये कुछ ऐसे ग्रो होगा, इस तरीके से, और ये न्यूक्लियस यहां पे आ जाएंगे, सॉरी धीरे धीरे ये इस तरीके से आउटग्रोथ शो करेंगे और ये न्यूक्लियस यहां से होते हुए माइग्रेट करके इनमें पहुंच जाएंगे। देखो धीरे धीरे पढ़ो इसको, जैसे शुरू में क्या होगा, ये इस तरीके की कंडीशन आएगी, ऐसे ये न्यूक्लियस यहां माइग्रेट कर गए, धीरे धीरे ये वॉल फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब इन्होंने आउटग्रोथ शो की ऐसे, ठीक है, और ये न्यूक्लियस यहां पहुंच गए, यहां पे आ गए। ठीक है, आई बात समझ में, ये जो बने हैं इनको हमने एक्चुअल में मैच्योर बेसिडियोस्पोर्स कहा, बेसिडियोस्पोर्स, आई बात समझ में। और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्चुअल में जब आप इसको देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये बेसिडियम, बेसिडियम के ऊपर ये ब्रांचिंग दिखाई देगी कुछ इस तरीके, और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, बेसिडियो स्पोर्स लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, आई बस समझ में, कुछ इस तरीके से ये हो गया आपका, ये है, ये क्या बना आपका जो है एक पर्टिकुलर बेसी, यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिडियम बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलोगे, बेसिडियम। ठीक है, सिंगुलर में बेसिडियम बोलोगे, तो बेसिडियम के ऊपर क्या बन गए आपके, बेसिडियो स्पोर्स बन गए, ध्यान। और ये जो ब्रांचिंग आपको दिख रही है ना, ये ब्रांचिंग क्या कहलाएगी, स्ट्रिगमेटा, स्ट्रिगमेटा, याद करो कल जो पढ़ाया था आपको मैंने, पेनिसिलियम के अंदर ए सेक्सुअल स्पोर्स जब बनते हैं पेनिसिलियम में तो कौन से स्पोर्स बनते हैं बच्चों, याद करो मैंने कोनिडिया पढ़ाया था आपको,
कोनिडिया में फर्स्ट लेवल की ब्रांचिंग रैमी, सेकंड लेवल की ब्रांचिंग मेड्यूले, थर्ड लेवल की ब्रांचिंग आपने स्ट्रिगमेटा की थी, ठीक है, स्ट्रिगमेटा, ठीक है। तो स्ट्रिगमेटा जो है आपकी टर्मिनल ब्रांचिंग को बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिगमेटा बनती है और एक स्ट्रिगमेटा पे एक ही बेसिडियस स्पोर आपको दिखाई देगा। आई बस समझ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या बनता है, अब ये तो बन गया क्या, एक बेसिडियम बना। जब किसी फ्रूट, जब ये ऐसे बहुत सारे बेसिडियम ऐसे करके, एक बेसिडियम यहाँ पे है, ठीक है, एक बेसिडियम यहाँ पे है ऐसे करके, एक बेसिडियम यहाँ पे है ऐसे करके, ठीक है। तो जब कलेक्शन एग्रीगेशन ऑफ बेसिडियम हो एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, बेसिडियोकार्प कहेंगे। जैसे कल याद करो मैंने आपको एस्कोकार्प समझाया था ना, एस्कोकार्प में तो अंदर की तरफ बनते हैं, ठीक है, यहाँ बाहर की तरफ बन रहे हैं क्योंकि ये खुद एक्सोजीनियस है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, फर्क क्या होता है। देखो एस्कोस्पोर किसके अंदर बनते हैं, मैं बता रही हूँ आपको खुद से ये लिख लेना। एस्कोस्पोर कहाँ बनते हैं, एस्कस के अंदर। बेसिडियोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, बेसिडियम के अंदर। एस्कोस्पोर्स क्या करते हैं, जनरली एक एस्कस में 4 से 8 क्या मिलेंगे आपको, एस्कोस्पोर्स मिलेंगे। एक बेसिडियम में सिर्फ 4 ही क्या मिलेंगे आपको, बेसिडियोस्पोर्स मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एस्कोस्पोर्स की फॉर्मेशन जो होती है वो अंदर ही अंदर होती है, अंदर ही रह जाएंगे वो, ठीक है। जितने भी स्पोर्स है एस्कस वाले स्पोर्स उस एस्कस के अंदर रहेंगे। यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स देखो एक्सोजीनियस है, बेसिडियम से बाहर लगे हुए हैं और जनरली एक स्टिग्मेटा पे एक स्पोर रहेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो बच्चों ये डिफरेंस है, याद कर लेना, कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। अब देखो ये तो बात थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसकी लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं तो किस टाइप की लाइफ साइकिल है, देख लो एक बार थोड़ा सा। मान लो ये आपके पास 2 स्ट्रेन की फंजाई है, ये पॉजिटिव स्ट्रेन हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव स्ट्रेन हो गया। ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूं पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में, ठीक है। एक पॉजिटिव स्ट्रेन है और एक नेगेटिव स्ट्रेन है, ठीक है। इनके जो टर्मिनल पार्ट है वो क्या हुए, फ्यूज हुए, ठीक है, टर्मिनल पार्ट क्या हुए, फ्यूज हुए और हमारे पास एक डाइकैरियोटिक स्टेज आ गई, ठीक है। अभी इसके अंदर आई है डाइकैरियोटिक स्टेज, धीरे धीरे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके डाइकैरियोटिक स्टेज को शो करेंगे, सारे डाइकैरियोटिक स्टेज को शो करते हैं। कैसे, क्लंप कनेक्शन से, ठीक है, सभी में डाइकैरियोटिक स्टेज आ जाएगी और क्लंप कनेक्शन शो करेंगे। अब इनमें से कोई एक का फ्यूजन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। फ्यूजन होते ही यहाँ पे क्या बनना, जनरली टर्मिनल ही होता है और यहाँ पे ऐसे बेसिडियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिडियम बनना स्टार्ट होगा तो फिर धीरे धीरे वही स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हो आप, ये बेसिडियम, इसको मैंने ऐसे सीधा कर दिया, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे स्ट्रिगमेटा बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे स्ट्रिगमेटा बन जाएंगे और इनमें मियोसिस हो गई। इसमें ये 2n था, ये मियोसिस हो गई, क्या बन गए, बेसिडियोस्पोर्स बन गए, लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुए, ठीक है। धीरे धीरे ये क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे इसके अंदर स्टिग्मेटा से होते हुए और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आपके बेसिडियोस्पोर्स बन जाएंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो ये आपका कंप्लीट बेसिडियम बन गया, ये कंप्लीटली बेसिडियो स्पोर्स बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स है, ठीक है। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, ये स्पोर्स स्प्रेड हो जाएंगे एनवायरमेंट में और फिर जो है एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम पे ग्रो करेंगे तो फिर ये दोबारा से क्या बना देंगे, एक नया माइसीलियम बना देंगे।
समझ में आया? ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ डेसिडियो माइसिटीज। आया समझ में? बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स की। नेक्स्ट इज बच्चों, एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे हम। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखो पहला है पक्सीनिया, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, पक्सीनिया, पक्सीनिया है जनरली रस्ट डिजीज करता है। जैसे देखो आपको वीट के अंदर, आप वीट जब देखते हो कई बार उसमें क्या लग जाता है, ब्लैकिश ब्लैकिश डिपोजिशन हो जाती है बहुत ज्यादा पूरी उस जो आप देखते हो वीट जहां से आप ऑब्टेन करते हो जब तक उसको आप निकालते नहीं। ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि आपके ब्लैक बहुत ज्यादा स्पॉट्स हो जाते हैं, वो क्या है, दैट इज रस्ट डिजीज। ठीक है, वीट रस्ट डिजीज जो जनरली कौन करता है, पक्सीनिया ग्रामिस ट्रिटिकी। ठीक है, तो स्टेम रस्ट भी हो जाता है कई बार, ब्लैक रस्ट भी हो जाता है। मैं आपको पिक दिखा दूंगी, ठीक है, आपको मैं सेंड कर दूंगी या फिर आपके लेक्चर में ही ऐड कर देंगे, आपको स्पॉटेड डिजीज मैं दिखा दूंगी। ठीक है, इसके अलावा जो यूस्टी लेगो होता है बच्चों, ये बहुत ज्यादा, ये एनसीईआरटी जहां जहां मैं टिक लगा रही हूँ वो याद कर लेना। ठीक है, जहां जहां टिक लगाया कम से कम वो याद कर लेना, बाकी याद हो ना हो ये जरूर याद होना चाहिए। यूस्टी लेगो ये स्मट डिजीज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यूस्टी लेगो ट्रिटिकी, ये लूज स्मट ऑफ वीट करता है, ये रस्ट करता है, ये स्मट डिजीज करता है, लेकिन दोनों बेसिडियो माइसिटीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूस्टी लेगो मेडिस, ठीक है ना, ये स्मट ऑफ मेज करेगा। आई बस समझ में? ठीक है, इसी तरीके से देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया था कि ये दे आर गुड डिकम्पोजर ऑफ वुड। ठीक है, तो वुड रोटिंग फंजाई बोल दो, या शेल्फ फंजाई, शेल्फ के ऊपर जो फंजाई लग जाती है, ठीक है, या फिर आप ब्रैकेट फंजाई बोल दो। तो इनमें कॉमन से एग्जाम्पल है गोनोडर्मा है, फोम्स है, पोरियस है, पफ बॉल, पफ बॉल याद कर लो, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, लाइकोपर्डॉन है, क्लेवेशिया है, क्लेवेशिया एंटी कैंसीरियस ड्रग में यूज करते हैं, इसका केमिकल जो है हम एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, हम इसको लैब में भी ग्रो करवाते हैं और कैंसर के अगेंस्ट एज ए ड्रग इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो बच्चों कुछ पॉइजनस जो है फंजाई भी होती है जिनको खाने से डेथ भी हो जाती है पर्सन की। ठीक है, जैसे कि टोड स्टूल, ठीक, टोड स्टूल ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम है, मॉरल्स हो गए, टॉडस्टूल हो गया, ये आपका पॉइजनस फंजाई में आता है। ठीक है, पॉइजनस फंजाई है, आई बात समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बेसिकली एग्जाम्पल की बात करें, एमनीशिया जो है बेसिकली डेथ, एमनीशिया में बच्चों नोट करो, एमनीशिया फेलॉइड्स ये डेथ कब, इसको डेथ कब बोलते हैं, एमनीशिया फेलॉइड्स, हालांकि मैंने आपको दिया हुआ है इसको डेथ कब बोलते हैं, डेथ कब। ठीक है, इसी के अलावा और भी होती है एमनीशिया की स्पीसीज, और भी होती है जो पॉइजनस होती है, दैट इज योर एमनीशिया कैसेरिया। ठीक है, इसको हम कैसेरेट्स मशरूम बोलते हैं, एमनीशिया मस्केरिया, ठीक है, इसको हम हेलुसिनोजन के फॉर्म में यूज करते हैं, आर्मिलेरिया है ये हनी मशरूम के फॉर्म में यूज होता है, अगैरिकस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइजनस में नहीं आएगा, अगैरिकस ये आपने देखा भी होगा जिसको हम मशरूम के नाम से जानते हैं, ये एग्जाम्पल भी आप याद करो, ये एडिबल में है, एडिबल फंजाई कोई आपसे पूछ लो। ठीक है, तो एडिबल में आप किसका नाम दोगे, एगैरिकस, ये बेसिडियो माइसिटीज से बिलोंग करता है, समझ में आया? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्या है आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके, एसिडियो बेसिडियो माइसिटीज की। क्लियर? लास्ट क्लास ऑफ फंजाई इज बच्चों ड्यूटेरो माइसिटीज। ठीक है, लास्ट क्लास क्या है, ड्यूटेरो माइसिटीज। अब इसे देखो फंजाई इम्परफेक्टी क्यों कहा गया, देखो हमें इस फंजाई के सिर्फ एसेक्सुअल स्टेजेस का पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन सेक्सुअल स्टेज का हमें नहीं पता, तो हमें सिर्फ इनका मतलब कि जो इनकी सेक्सुअल स्टेज है वो इम्परफेक्ट है, अभी हम जानते नहीं है, डिस्कवरी स्टिल गोइंग ऑन।
ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर टेम्पररली प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप एंड दैट ग्रुप इज नोन एज ड्यूटेरोमाइसिटिस। आई बस समझ में? सो दोस फंजाई, ठीक है, ऐसी फंजाई इन विच वी आर नोन अबाउट नोन फॉर देयर वी नो अबाउट देयर ए सेक्सुअल स्टेज ओनली, ठीक है, ऐसी फंजाई दोस फंजाई, ठीक है, फॉर विच वी आर वेल नोन अबाउट देयर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम? ड्यूटेरोमाइसिटिस कहेंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फंजाई इम्परफेक्टी कहा जाता है। तो देखो ए सेक्सुअल स्टेज जो है इसकी, ए सेक्सुअल स्टेज वो तो इसकी क्या है? नोन है, जानते हैं हम, ठीक है। और जो इसकी सेक्सुअल स्टेज है, ठीक है, वो क्या है बच्चों? अननोन है, अननोन, और इस यानी कि इम्परफेक्ट है, अभी हम नहीं जानते, ठीक है। तो इसी वजह से इनको क्या कह दिया गया? फंजाई इम्परफेक्टी कह दिया गया, ठीक है। ये बहुत ही रेंडमली आज क्वेश्चन होता है, आपके पेपर्स में पूछ लिया जाता है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल क्लास भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल क्लास, समझ में आया, ठीक है। टेम्पररी क्लास होती है, जैसे ही किसी फंजाई की सेक्सुअल स्टेज का हमें पता चलता है हम उसे उसकी रेस्पेक्टिव क्लास के अंदर डाल देते हैं। वो अगर उसमें एस्कस बन रहा है तो एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियम बन रहा है तो बेसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी जाइगोमाइसिटिस, ब्यूमाइसिटिस के, अगर उस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिल रहा है तो उसमें डाल देते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, इनका जो माइसीलियम होता है, ठीक है, वो सेप्टेट होता है, माइसीलियम सेप्टेट रहेगा यहाँ, आई बात समझ में, ठीक है। सो माइसीलियम इज अ सेप्टेट। बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या मिलेगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली इनके अंदर एक्सोजीनियस स्पोर्स बनेंगे। एक्सोजीनियस स्पोर्स याद करो, दो ही क्लास पढ़ी थी आपने, ओडिया एंड कोनिडिया। तो ओडिया कोनिडिया में से मोस्ट कॉमनली कौन से बनते हैं? मोस्टली कौन से बनते हैं? कोनिडिया बनते हैं, समझ में आई बात। मोस्टली कौन से स्पोर्स बनेंगे बच्चों? यहाँ पे कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये है सारी बातें आपके ड्यूटेरोमाइसिटिस की। जैसे ही किसी की परफेक्ट स्टेज का पता चलता है, सेक्सुअल स्टेज का पता चलता है, उसे कहाँ प्लेस कर देते हैं हम? उसके रेस्पेक्टिव स्टेज के अंदर डाल देते हैं, रेस्पेक्टिव क्लास में डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल से कई बार थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटिस, आपको याद जो करना है वो बता देती हूँ। पहला है अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है, क्या करता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, याद करो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कर रहा था? फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, और फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस किस क्लास से बिलोंग करता है? शाबाश, ओमाइसिटीज से, सबसे पहला जो आपको करवाया था, ठीक है। आयरिस के अंदर जो ग्रेट फेमाइन हो गई थी वो इसी की वजह से थी, लेकिन अर्ली ब्लाइट अगर आ जाए तो अल्टरनेरिया सोलानी, ठीक है। इसके अलावा सर्कोस्पोरा, ये ग्राउंड नेट के अंदर जो है टिक्का डिजीज कॉज कर देता है, स्पॉट्स बन जाते हैं, रेड स्पॉट्स, ठीक है। इसके अलावा कलेक्टोट्राइकम फेल्केटम, ठीक है, रेड रूट ऑफ शुगर, आप सबने शुगर केन खाया होगा, ठीक है, और उसमें आपको कई बार जब आप उसको जो है बाइफर्केट करते हैं तो आपको रेड कलर पूरा का पूरा जो है रेडिश रेडिश एरिया दिखाई देता है, वो रेड रूट ऑफ शुगर केन है। और वो कौन सी फंगस के इन्फेक्शन से होता है? आपका कलेक्टोट्राइकम फेल्केटम, आई बात समझ में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है फ्यूजेरम, ये क्या करता है? विल्ट डिजीज ऑफ प्लांट, विल्टिंग प्रोसेस हो जाता है उनके अंदर, ऐसे झुक से जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ फंजाई। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको ट्वेल्थ क्लास में लर्न करना पड़ेगा, अभी नहीं करोगे तो वहां करना पड़ेगा, तो बेटर है यहीं कर लो, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, ये प्लांट पैथोजन को के बायो कंट्रोल एजेंट के लिए यूज करते हैं। देखो बायो का मतलब लिविंग,
ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट वो होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी केमिकल या कोई सिक्रेशन हम यूज कर रहे हैं किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, या फिर एक 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 पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक केमिकल की वजह से दूसरा ऑर्गेनिज्म ग्रो ना कर पाए, ठीक है। इस टाइप के कंट्रोल को हम बायो कंट्रोलिंग एजेंट्स कहते हैं। तो जहां पे इस फंगस का इन्फेक्शन होगा वहां पे एक रेस्पेक्टिव जो है पैथोजन ग्रो नहीं कर पाएगा, एक प्रॉपर पैथोजन ग्रो नहीं कर पाएगा किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। तो जनरली इसको हम बायो कंट्रोलिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर में है ये, सॉरी ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में है ये, ट्वेल्थ क्लास के अंदर है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर फंजाई बच्चों, मेरी तरफ से फंजाई कंप्लीट है। बहुत ज्यादा मैंने आपको इसमें टाइम देके करवाया क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपकी डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, आप फोन करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। और फिर भी ना आए तो आप मेरे पास स्कूल में आके भी कभी कभार पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो देखो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और यहाँ बिल्कुल जो भी एग्जाम्पल्स आपको करवाए हैं, ज्यादा नहीं तो कम से कम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आपको बाई हर्ट लर्न होने चाहिए। आई बात समझ में? दैट्स ऑल फॉर टूडेज लेक्चर बच्चों, थैंक यू एवरीवन।